हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कॉन्टैक्ट की इंटरलॉकिंग करना सिखाऊंगा। इस वीडियो को पूरा देखें, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इंटरलॉकिंग के लिए मैंने दो कॉन्टैक्ट लिए हैं, K1 और K2। दो स्टार पुश बटन और दो स्टॉप पुश बटन लिए हैं, K1 स्टार पुश बटन और K1 स्टॉप पुश बटन। K1 कॉन्टैक्ट के लिए और K2 स्टॉप पुश बटन, K2 स्टार पुश बटन, K2 कॉन्टैक्ट के लिए और एक MCB कंट्रोलिंग के लिए लिया है। चलिए अब वायरिंग को समझते हैं। सबसे पहले 3-फेज सप्लाई को दोनों मोटर में कनेक्ट करते हैं। अब मोटर को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल वायरिंग करना होगा। K1 कॉन्टैक्टर को स्टार्ट करने के लिए फेज और न्यूट्रल को MCB में कनेक्ट करना होगा। उसके बाद फेज वायर को K1 स्टॉप पुश बटन में कनेक्ट करना होगा और फिर स्टॉप बटन से K1 स्टार्ट पुश बटन में कनेक्ट करने के बाद स्टार्ट पुश बटन से K2 कॉन्टैक्टर के 22 नंबर NC टर्मिनल में कनेक्ट करना होगा। इसके बाद एक वायर को 21 नंबर NC टर्मिनल से K1 कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल में कनेक्ट करना होगा। उसके बाद न्यूट्रल वायर को K1 कॉन्टैक्टर के A2 टर्मिनल में कनेक्ट करना होगा। अब कॉन्टैक्टर की होल्डिंग के लिए स्टार्ट पुश बटन के पैरेलल में K1 कॉन्टैक्टर के 13 नंबर और 14 नंबर NO टर्मिनल में दो वायर को कनेक्ट करना होगा। इतना कनेक्शन करने के बाद अगर हम K1 स्टार्ट पुश बटन पुश करते हैं तो मोटर M1 स्टार्ट हो जाएगा। मोटर को ऑफ करने के लिए हमें K1 स्टॉप पुश बटन को प्रेस करना होगा। अब K2 कॉन्टैक्टर को स्टार्ट करने के लिए फेज वायर को K1 स्टॉप पुश बटन से K2 स्टॉप पुश बटन में कनेक्ट करना होगा और फिर स्टॉप बटन से K2 स्टार्ट पुश बटन में कनेक्ट करने के बाद स्टार्ट पुश बटन से K1 कॉन्टैक्टर के 22 नंबर NC टर्मिनल में कनेक्ट करना होगा। इसके बाद एक वायर को 21 नंबर NC टर्मिनल से K2 कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल में कनेक्ट करना होगा। उसके बाद न्यूट्रल वायर को K2 कॉन्टैक्टर के A2 टर्मिनल में कनेक्ट करना होगा। अब कॉन्टैक्टर की होल्डिंग के लिए स्टार्ट पुश बटन के पैरेलल में K2 कॉन्टैक्टर के 13 नंबर और 14 नंबर NO टर्मिनल में दो वायर को कनेक्ट करना होगा। कनेक्शन पूरा हो गया है। अब हम वर्किंग को समझते हैं। मोटर M1 को स्टार्ट करने के लिए हमें K1 स्टार्ट पुश बटन को पुश करना होगा। स्टार्ट पुश बटन को पुश करने के बाद मोटर M1 स्टार्ट हो जाएगा। मोटर M2 को स्टार्ट करने के लिए हमें मोटर M1 को स्टॉप करना होगा और उसके बाद जब हम K2 स्टार्ट पुश बटन को पुश करते हैं तो मोटर M2 स्टार्ट हो जाएगा और जब मोटर M2 ऑन हो उस समय अगर हम मोटर M1 को स्टार्ट करना चाहते हैं तो मोटर M1 स्टार्ट नहीं होगा। मोटर M1 स्टार्ट करने से पहले मोटर M2 को स्टॉप करना होगा और उसके बाद जब हम K1 स्टार्ट पुश बटन को पुश करेंगे तो मोटर M1 स्टार्ट हो जाएगा और मोटर M1 को ऑफ करने के लिए हमें K1 स्टॉप पुश बटन को पुश करना होगा। इस तरह से कॉन्टैक्टर इंटरलॉकिंग वर्क करता है। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको इस वीडियो कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।